हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल फ्रेश निखार। मैं श्रद्धा आज आपको बताऊंगी जो अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत हेयर्स रहते हैं ज़्यादा, कईयों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं जो थ्रेड से निकालते हेयर्स, तो मैं आपको घरेलू नुस्खे से बताऊंगी कि आप घर में ही आपके जो हेयर्स आ जाते हैं, जो फोरहेड पे हेयर्स रहते हैं, जो चिक्स पे बहुत ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं, वो कैसे निकाले। आपको दो तीन बार में ही इसका रिजल्ट दिखेगा, तो मैं एक अच्छी बहुत अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ आपको, होममेड रेमेडी बताने वाली हूँ। इसका आप यदि यूज़ करेंगे तो आपके जो ये हेयर्स है वो निकल जाएंगे आपके, और यदि हेयर्स निकल जाएंगे तो आपका चेहरा और सुंदर लगने लगेगा और ब्राइट लगने लगेगा। तो आइए देखते हैं, तो आइए देखते जो चेहरे पे आपके हेयर्स आ जाते हैं, जो चिक्स पे आ जाते हैं, आपके फोरहेड पे आ जाते हैं, तो आप क्या यूज़ करें ताकि वो आपके हेयर पूरे गायब हो जाए और चेहरे पे अच्छा फेयरनेस आ जाए और अच्छे से चेहरा ग्लो करने लगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक बाउल लेना है, खाली खाली बाउल में आपको लेना है कच्चा दूध, ये बाउल में मैंने एक से डेढ़ चम्मच आपको लेना है कच्चा दूध, ये मैंने कच्चा दूध ले लिया। इसमें इसमें आपको मिलाना है हल्दी, इसमें मैं थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला देती हूँ, इसमें मैंने हल्दी मिला लिया दूध में, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए दूध वाला हल्दी वाला दूध रेडी हो गया है, मैंने ये दूध और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें लूंगी यह गेहूं का आटा, मैं इसमें गेहूं के आटे का यूज करूंगी, जिसमें मैं एक चम्मच ले लेती हूँ गेहूं का आटा। यदि आपको लगे कि थोड़ा सा और चाहिए तो थोड़ा सा और आप इसमें दूध मिला सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा हो गया तो थोड़ा सा आप ऐसा बनाना है आपको कि पूरे चेहरे पे आपके लग जाए। ये अच्छे से गेहूं का आटा डाल के मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, ये मैंने इसमें दूध लिया है, हल्दी लिया है, उसमें गेहूं का आटा। अब मैं इसमें डालूंगी लेमन, डालूंगी मैं इसमें लेमन, दो से तीन बूंद मैं इसमें डाल लेती हूँ, कि मैंने दो से तीन गुण इसमें ले लिया है लेमन का रस। ये अच्छा थिक पेस्ट रेडी हो गया। अब मेरा चेहरा तो पहले से ही क्लीन है, अब मैं पूरे चेहरे पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपके कैसे इसका इसे निकालेंगे जब आपके हेयर्स इससे निकलने लगेंगे, तो वो मैं बताऊंगी कि हेयर्स कैसे निकलेंगे इससे। आप इसे वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप मैंने अच्छे से पेस्ट लगा लिया है, इसको कम से कम 15 मिनट तक आपको सूखते तक रखना है, इसे पूरा सूखने नहीं देना आपको, थोड़ा पूरा सूखने नहीं देना है, थोड़ा कम सूखने देना है इसे, उसके बाद निकालना है। तो मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ ताकि कितना सूखेगा वो भी देख लेंगे आप, और कैसे निकालूंगी वो भी देख लेंगे आप। तो 15 मिनट में आपसे बाद में मिलती हूँ। ये देखूंगी आप, मैंने 15 मिनट तक रखा तो एकदम पूरा नहीं सूखा, इसमें हल्का हल्का सूख गया, ऐसे ही रखना है आपको, हल्का हल्का सूखने के बाद आपको इसे निकालना। निकालना कैसे है, जो गेहूं का आटा था गेहूं का आटा अपने पास थोड़ा और रखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको आपके हाथों में गेहूं का आटा लगा लेना है, जब इससे जो आपके हेयर है वो निकलेंगे। सूखा गेहूं का आटा, ये सूखा गेहूं का आटा है, पहले ऐसा सा लगा लीजिए इसके ऊपर,
देखेंगे, मैंने वो पेस्ट के ऊपर लगा लिया है तो पेस्ट पे थोड़ा गेहूँ का आटा चिपक गया है। अब इसको ऐसा थोड़ा घस घस के निकालेंगे। आपको लग रहा हूँ मैं बहुत जोर से घस रही, पर नहीं घस रही, मैं नॉर्मली घस रही हूँ ऐसे। तो इसे जो हेयर उप्स हो गए वो आपके निकल जाएंगे। एक बार में तो पूरे नहीं निकलेंगे, पर इसका भी यूज करते रहेंगे, तीन चार बार में आपको समझ में आने लगा कि हेयर इससे निकल रहे हैं। ये देखिए गेहूं का आटा मैंने ऊपर लगाई तो बहुत इजीली आपका ये सब निकल गया और चेहरा भी आपका इससे अच्छा लग रहा है। देखिए पूरा अच्छे से निकल गया और मेरा चेहरा कितना क्लीन लगने लगा इसे लगाने के बाद। तो इसका आप यूज करेंगे तो आपके जो फेशियल हेयर्स होंगे, जो चिक्स पे होंगे, जो फोरहेड पे होंगे, वो बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो इसका यूज आप जरूर करिए, वीक में दो बार भी इसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर वीक में आपको टाइम ना मिले तो एक बार भी यूज कर सकते हैं आप, पर यूज करके जरूर देखिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही। आज मैंने आपको बताया जो हेयर्स आ जाते हैं चेहरे पे आ जाते हैं, चिक्स पे आ जाते हैं, फोरहेड पे आ जाते हैं, तो ऐसी क्या चीजों का यूज किए ताकि आपके जो हेयर्स है वो निकल जाए। तो आप इसका यूज जरूर करिए तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा ही। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि इसके बाद मैं जो भी कोई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।